70-80% लेडीज़ों की यही प्रॉब्लम होती है कि सुबह नाश्ते में क्या बनाया जाए जो आराम से सभी लोग खा सकें। इसी प्रॉब्लम को थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और बनाते हैं टेस्टी सा नाश्ता, वो भी लेफ्ट ओवर दाल से। होप्स हो ये रेसिपी आपको हेल्प कर सके। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये हमारी बची हुई रात की दाल है, इसको हम एक पैन में डाल के सुखा लेंगे। दाल को थिक करना है। देखिए दाल हमारी थिक होना स्टार्ट हो गई है, ऑलमोस्ट हो गई है। अब गैस को कर देते हैं ऑफ और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। दूसरी साइड चॉपिंग कर लेते हैं, जिसके लिए हमें चाहिए एक प्याज, दो हरी मिर्च, आधा शिमला मिर्च और आधा गाजर। इन सबको बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। जब मैं छोटी थी, वैसे तो मम्मी कभी दाल बचाती नहीं थी, बट कभी बच जाए तो वो गाय या भैंस को खिला देती थी। बट अब सिटीज़ में रहने लग गए, यहाँ ना कोई गाय दिखती है ना कोई भैंस दिखती है, और फेंकना भी अच्छा नहीं लगता। सो बेटर है कि लेफ़्ट ओवर चीज़ों को यूज़ कर लें। बातों बातों में अब हमारी सब्ज़ियाँ भी चॉप हो गई हैं। अब जो ठंडी करने के लिए दाल रखी थी उसको लेंगे। दाल ठंडी होने के बाद और अच्छे से टाइट हो गई है। अब इसमें कटा हुआ प्याज, कटी हुई हरी मिर्च, कटी हुई शिमला मिर्च और कटी हुई गाजर डाल देंगे। और इसमें फ्रेश कटी हुई धनिया और थोड़ा सा पुदीना पत्ता भी डाल देंगे। पुदीना पत्ता डालने से क्या फ्रेग्रेंस आती है। अब इसमें रोस्ट किया हुआ 3 चम्मच बेसन डाल देंगे। बेसन डालने से एक तो स्वाद बढ़ जाता है, दूसरा थिकनेस भी बढ़ जाती है, और तीसरा इसको जैसे चाहें वैसे शेप में डाल सकते हैं। अब इसमें 1/2 चम्मच लाल मिर्च डालेंगे, नमक स्वादानुसार, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच चाट मसाला डालेंगे। अब इस मिक्सचर को अच्छे से मिलाएंगे, जिससे सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। सारी चीज़ें मिक्स होने के बाद हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और कबाब का शेप देंगे। मैंने तो टिक्की जैसा बनाया है, आप चाहें तो कोई भी शेप दे सकते हैं। एक एक करके सारी टिक्कियां हम ऐसे ही बना के रख लेंगे। टिक्कियां बनाने में बड़ा अच्छा लग रहा है, एक खुशी हो रही है लेफ्ट ओवर दाल यूज़ करके। सारी टिक्कियां इतनी अच्छे से बन गई हैं। अब एक पैन में थोड़ा सा तेल लेंगे। जो तेल में फ्राई करना नहीं चाहते वो एयर फ्रायर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब एक एक करके सारी टिक्कियां रख देंगे। फ्लेम को मीडियम रखेंगे और आराम से इनको पकने देंगे। लगभग 2 मिनट पकाने के बाद इनको पलट देंगे। पलटने के बाद देख सकते हैं कितने अच्छे से पक गई हैं। इनको कोई कह सकता है ये दाल से बनी है ना, इनका परफेक्ट टेक्सचर। अब सारी टिक्कियां एक एक करके ऐसे ही सेक लेंगे। आप इनको चटनी के साथ ऐसे भी खा सकते हैं, बट मेरे पास क्या है इनको खाने का। एक रोटी लेंगे, रोटी पे चटनी लगाएंगे। रोटी आप रात की भी ले सकते हैं और ताजी भी ले सकते हैं। फिर इस पे टिक्की रखेंगे और उसको फैला देंगे चम्मच से। फैलाने के बाद इसमें कटा हुआ प्याज डालेंगे।
प्याज रखने के बाद इसमें कटी हुई खीरे रखेंगे। आप इसमें चाहे तो टमाटर का भी यूज़ कर सकते हैं और कटी हुई गाजर भी रखेंगे। सॉसेस में इसमें मैंने टोमेटो सॉस लिया है और तंदूरी सॉस लिया हुआ है। आप अपने मनपसंद से कोई भी सॉसेस ले सकते हैं। तंदूरी मेयोनीज की जगह पे आप नॉर्मल मेयोनीज भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। सॉसेस डालने के बाद इसको फोल्ड कर देंगे और पैन में थोड़ा सा ऑयल लेंगे और इसको सेक लेंगे। 2-3 मिनट तक ऐसे सेकने देंगे। इसको तब तक सेकेंगे जब तक क्रिस्पी ना हो जाए। जो क्रिस्पीनेस आएगी वो टैकोस का फील देगी। इसको आप रोटी टैकोस कह सकते हैं। ये रोटी टैकोस आपको इतना टेस्टी लगने वाला है, इतना टेस्टी लगने वाला है कि आप दाल ज़रूर बचाओगे रात में, ज़्यादा बनाओगे और बचाओगे भी। अब इसको बराबर हिस्सों में काट लेंगे और चटनी के साथ सर्व कर देंगे। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, मैं तो चली खाने। रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।